आज हम बनाने वाले हैं शक्करकंदी बाइट्स, जो आप नवरात्रि के उपास में काफी आसान और सिंपल तरीके से बना के खा सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट रेसिपीज हो सकती है आपके लिए अगर आप फास्टिंग करते हैं इस नवरात्रि। और इसके अलावा भी हमने काफी सारी और रेसिपीज बनाई हैं पास्ट में फास्टिंग से रिलेटेड, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और आप इस वीडियो के बाद उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की अमेजिंग रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ये है शकरकंदी, इसे हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं और रतालू भी कहते हैं, और ये व्रत में तो खा ही सकते हैं, ऐसे भी आप इसको चाट में बना के खा सकते हैं, इसका हलवा बना सकते हैं। और आज हम जो बना रहे हैं इसका मीठा, वो 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा और व्रत में खाने से आपका पेट भी इससे अच्छी तरह भर जाएगा, तो इसे आप व्रत में ज़रूर बनाइए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसको धो लिया है क्योंकि इसमें मिट्टी रहती है। अब हम इसका छिलका निकालेंगे और इसे काटेंगे, पिलर से हम इसका छिलका निकाल देंगे। तो देखिए, सभी शकरकंदी के हमने छिलके उतार लिए हैं, अब इसको गोल गोल साइज में काट लेंगे, इतने बड़े इतने मोटे स्लाइस में हमको काटना है। सभी शकरकंदियों को इस तरह राउंड में काट लिया है, पीसेस में। अब हम आगे का प्रोसेस करने गैस की तरफ चलते हैं। हम गैस जलाएंगे और पैन को गर्म होने देंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है, उसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, 1 टीस्पून। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे और इसमें हम 3 से 4 क्रश की हुई इलायची को डाल देंगे। हमने खाली इसको थोड़ा सा क्रश किया है, अब हम इसमें इसको डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इलायची का इसमें। और अब हमने जो शकरकंदी को पीस में काटा था वो भी इसमें डाल देंगे और 1 मिनट तक इसमें भून लेंगे, 1-2 मिनट तक। ये देखिए, हमारी शकरकंदी भुन गई हैं घी के अंदर। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे ताकि इसको भाप में थोड़ा गल जाए। ये देखिए, बस इसको इसमें थोड़ा सा पकने तक पानी डालेंगे। जब ये पक जाएगा उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब इसको हम ढक देंगे, कवर कर देंगे और 2-3 मिनट तक ये गल जाएगा भाप में। A few moments later. ये देखिए, हमने 1/2 कप पानी में इसको बॉईल करने रखा था। ये हमारी शकरकंदी देखिए एकदम फोक से देखिए एकदम गल गई है। ये देखिए, इस तरह होनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। तो शुगर आप अपने हिसाब से, मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून शुगर डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। शुगर इसके ऊपर एकदम चिपक जानी चाहिए इस तरह। अब इसको और 2 मिनट तक शुगर मेल्ट हो जाएगी और इसके ऊपर कोट हो जाएगी, तो हमारी मिठाई बनके तैयार। हमारी शुगर अच्छी तरह मेल्ट होती जा रही है, इसका मतलब हमारी शकरकंदी बनके तैयार हो रही है। अब हम इसको सर्व करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए,